Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is the ball poem, written by John Berryman. और मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि कोई भी हम जब पोएम करते हैं तो उसके जो है पोएट या पोइटिस का नाम जो है साथ में याद करते रहें, क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर आता है तो उसके साथ ना जाता है नेम द पोएम एंड द पोएट. तो जब आप लोगों को पता होगा कि कौन सी पोएम है या कौन सी पोएट है, तो क्योंकि बाद में फिर ध्यान नहीं रहता है, तो अभी साइड बाई साइड जो है आप इसको लर्न करते रहे. तो हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरह से जो है पोएट ने इसमें बताया है कि एक बच्चा जो है खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी जम बॉल जो थी क्या हुई, जब उसने बाउंस करा. आप लोग भी करते होंगे ना, घर में बॉल से खेलते होंगे तो जम करते हैं, तो बॉल कैसे जाती है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाती है. तो पोएट कह रहे कि मैं मेरे सामने ये मतलब जो बच्चा खेल रहा था और सडनली उसके हाथ से जो बॉल क्या हुई थी, स्किप हो गई, छूट गई थी, और वो जो है बॉल जो है मैरीली मींस खुश होते हुए क्या कर रही थी, अप एंड डाउन करते हुए कहाँ चली गई, साइड रिवर में चली गई. अब बच्चों क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई हमारी अपनी चीज होती है जिससे हमें जो है हमारी मेमोरीज जुड़ी रहती हैं, या बहुत ज्यादा इमोशन रहता है उसके साथ, या चाहे कोई भी पर्सन हो चाहे थिंग हो, तो यहाँ पे भी जो है बच्चा जो है बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बॉल जो है पानी के अंदर चली गई थी. अब हमें ये तो नहीं पता ना कि उसके बिहाइंड दैट बॉल की क्या स्टोरी है, क्या पता उसने उसको खरीदा होगा अपने पैसे जोड़ जोड़ के, क्या पता उसके पेरेंट्स ने गिफ्ट किया होगा या उसके अंकल ने गिफ्ट करा होगा. तो उसकी जो है मेमोरीज, तो यहाँ पे एक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं पोएट कि किस तरह से जो है हमारी जो है कोई भी चीज जो है जिससे हमारे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है और अगर सडनली वो खो जाती है तो उससे हमें किस तरह से बाहर आना है. अब बॉल क्या है, बॉल की वैल्यू क्या है, दूसरी ला सकते हैं, बट जो उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं या अटैचमेंट है उसको तो नहीं ला सकते ना. तो पोएट यहाँ पे कह रहे कि लाने को तो मतलब मैं ला सकता हूँ, 10 सेंट की है, बट वो क्या है, वर्थलेस है, कोई यूजफुल नहीं है उसका, यूजलेस है, क्योंकि इस समय बच्चे को क्या पता चल रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बच्चों अब हम जो है इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों पोयम किसने लिखी है, जॉन बैरीमैन ने लिखी है. कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन पोएट हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. और किस तरह से जो है पोएट देखते थे, जॉन बैरीमैन ने कहा है कि मैंने जो है इसको देखा है कि एक लड़का जो है लिटिल यंग, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ यंग बॉय, वो क्या कर रहा था, ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल, अपनी बॉल से खेल रहा था, और सडनली क्या होता है उसकी बॉल जो है बाउंस करती हुई स्किप हो जाती है. और ये सब किसने देखा, पोएट ने देखा, जॉन बैरीमैन ने देखा. और सडनली क्या होता है उसकी बॉल जो है उसके हाथ से स्किप हो जाती है, छूट जाती है, और वो बॉल जो है बाउंस करती हुई अप एंड डाउन मूवमेंट करती हुई कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑफ फर्स्ट स्टैंजा. की क्या बता रही है यहाँ पे पोएट, The poet is talking about a boy who has lost his ball. He wants to know about him and his reaction because he has lost his ball. Further, he asks to him. और poet कह रहे हैं मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके reaction क्या है after having lost that ball. खोने के बाद क्या reaction है उसके. Further, he asks to himself that what this boy will do after losing his ball. कि अब ये क्या करेगा कि अपने ball खो दी. The poet has seen the ball going away from the boy. He says that the ball was cheerfully, yeah, happily jumping up and down in the street. This means that when the ball escaped from the boy's hand, it went into the street and later on fell into the nearby river. River mein jo hai uski ball jo hai gir jati hai uske haath se, suddenly kya hoti hai, it escaped. So this is explanation of first stanza. Now move to second stanza. Second stanza में poet ने बोला है no use to. Poet ने क्या बोला है कि no use to say oh there are other balls. कि मतलब जो है ये बोलना उस समय, क्योंकि जो भी है अगर हमारी भी कोई चीज जो है जिससे हमें अटैचमेंट हो या इमोशन मतलब हमारी जो मेमोरीज जुड़ी है उससे, तो क्या होता है कि अगर वो खो जाती है तो एक बारी को जो हमें शब्द हो जाते हैं, क्योंकि जो मेमोरीज है खरीदने के लिए तो हम दूसरी बॉल, यहाँ इसीलिए पोएट ने बोला है कि उसके पास बहुत सारी बॉल है ये भी कह सकते हैं और नई बॉल भी ला सकते हैं, परंतु उस समय क्या था, वो बच्चा जो था यंग बॉय था
स्टैंड्स रिजेक्ट था, कोई उसके इमोशंस नहीं थे और वो क्या हो गया था, स्टेशनरी पोजीशन में था, ट्रम्बल कर रहा था, शेकिंग कर रहा था और कंटिन्यूस देख रहा था। और एट द सेम टाइम वो जो है अपने जो है यंग डेज को भी याद कर रहा था इन टू द हब कि किस तरह से जो है हिज बॉल वेंट। आई वुड नॉट अपोएट करे कि मैं उसमें जो है इंट्रूड नहीं करना चाहता था, क्योंकि इंट्रूड मैंने इन्वेडर, क्योंकि वो जो बॉल थी कितने की थी, 10 सेंट की थी, और इस समय जो है उसको, क्योंकि 10 सेंट क्या है, अगर मैं बोलूं कि दूसरी बॉल लाऊंगा तो इस समय जो है वर्थलेस है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा क्या है, सैड है। और उसको इस समय एक मैसेज दे रहे हैं पोएट कि उसको जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को जो है अगर मैं बॉल खेल रहा हूँ तो केयरफुली खेलना चाहिए था और उसको संभाल के रखना चाहिए था, क्योंकि अगर रिवर बह रही है तो ऑब्वियस है कि मेरे को जो है, क्योंकि बॉल क्या करेगी, जंप करेगी और सीधे जो है स्लोप की तरफ चलती जाएगी। तो यहाँ पे पोएट ने बताया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को अब पता चली व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल। द पोएट सेज दैट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट एवरी अदर बॉल। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, और वहां पे जो है उसको अपने जो है स्वीट मेमोरीज जो है फिर से याद आ रही थी, दिस बॉल इज जो है इनसफरेबल फॉर हिम एंड हिज ग्रीफ ट्रबल, और बहुत ज्यादा वो दुखी था क्योंकि उसने ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। फर्दर द पोएट सेज दैट द पोएम द टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न। अब वो समय आ गया था कि उसको अपनी जिम्मेदारियां का पता चल गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हैज लॉस्ट हिज ओन बॉल, अपनी बॉल खोई थी उसने, तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स और किस तरह से उसको संभाल के रखना चाहिए। नाउ मूव टू थर्ड स्विंग। थर्ड में बोला इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। अब व्हाट आई मीन बाय पोसेशंस, पोसेशंस का मतलब क्या था, ऑनरशिप, मेरी अपनी कोई चीज, ठीक है। तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब बॉल का क्या है, बॉल से अगर हम खेलेंगे तो वो खोएगी भी, टूटेगी भी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है पोएट करे हैं कि जिस तरह से जो है बॉल से जो है बहुत ज्यादा कौन दुखी था, बच्चा दुखी था, यंग बॉय दुखी था। तो यहाँ पे जो है पोएट क्या कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि छोटा बच्चा जो है, यंग बॉय जो है, गेंद तो जरूर खरीदेगा, मतलब क्या है उसका, गेंद तो खरीदेगा ही, क्योंकि आज खो गई है तो कल तो दूसरी लाएगा ही लाएगा। तो और जब वो जो है बॉल लाएगा तो खो जाना जो है, बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और सदैव जो है हमेशा क्या होगी, ऑलवेज मीन्स हमेशा जो है क्या होगा, खोएगी। अगर हम खेलेंगे तो ऑब्वियस है, कोई भी चीज है फॉर लॉन्ग टाइम तो रहेगी नहीं हमारे साथ, चाहे इंसान है चाहे कोई भी चीज है, तो हमारा एक अटैचमेंट उससे रहना है, तो किस तरह से हमें उससे बाहर आना है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, जहाँ पे लोग जो है सब कहते हैं ना कि ये मेरा, तो यहाँ कह रहे हैं वो पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग जो है बॉल्स लाएंगे और वो खोएगी भी, ठीक है, और लिटिल बॉय जो है खरीदेगा भी खोएगा भी हमेशा ऑलवेज, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। अब वो जो बॉल है जिसमें उसका अपना अधिकार है, जो उसकी अपनी बॉल थी, ठीक है, वो जो है कोई नहीं खरीद सकता। मानो मेरा मेरा अटैचमेंट है किसी से, ठीक है, एंड आई हैव लॉस्ट दैट थिंग या पर्सन, तो लोग क्या करेंगे, मतलब जो अगर कोई थिंग है तो लोग क्या कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, बट जो मेरी मेमोरीज हैं उसके साथ, उस थिंग के साथ जो जुड़ी हुई है, उसको कोई नहीं खरीद सकता। क्योंकि पैसा क्या है, पोएट ने बोला, इट इज एक्सटर्नल, बाहरी जो है, एक तरह से जो है ना, हमें पैसा क्या करता है, हमें लालच दिलाता रहता है भाई ये है करके, उसी लालच में जो है हम आगे जो है ट्रैप होते रहते हैं इसमें, पूरे वर्ल्ड में जो है हम क्या फंसते रहते हैं, ट्रैप होते रहते हैं, क्योंकि लालच होता है कि भाई उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है कि मनी इज एक्सटर्नल, कि बाहरी जो है क्या है, मनी क्या है, एक बाहरी वस्तु है, ठीक है, बट नो वन बायज द बॉल बैक, कोई उसकी बॉल को वापस नहीं ला सकता, जो उसके इमोशनल जुड़े हैं, किस तरह से वो बहुत ज्यादा दुखी है। अब क्यों दुखी है,
व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट बॉल जो उसने खोई थी वो किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं सिंपल सा है, इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल टेक, पीपल क्या कहेंगे कि हम जो है मेटेरियलिस्टिक जो है चीजों को खरीद सकते हैं, बट जो इमोशंस उसके साथ जुड़े हैं, अटैचमेंट जो जुड़े हैं उसको नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, डेस्परेट मीन्स होपलेस, निराश, ठीक है। एक्सटर्नल मीन्स थिंग्स विच विद विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच्ड, डेस्परेट मीन्स निराशा, होपलेस। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से चेक कर लें, डेस्परेट मीन्स होपलेस। तो ओके, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, कि मतलब होपलेस है वो, परंतु फिर भी वो जो है इसके पीछे जो है कुछ सीख रहा है, यंग बॉय। द एपिस्टेमोलॉजी, अब एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ लॉस। अब जो है उसको वैल्यू पता चल गई है, ये ग्रीक वर्ड है एपिस्टेम मीन्स नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है नॉलेज। अब उसको जो है पता चल गया है कि लॉस, कि लॉस क्या होता है, अभी तक उसे नहीं पता था, परंतु आज जो है, अब होता है ना आप लोगों को अगर कोई चीज देता है अगर खो गई है तो केयरलेस हो जाते हैं, अरे कोई बात नहीं खो गई तो इट्स ओके, बट अगर तुम्हारी अपनी कोई चीज खोती है तो आप लोग जो है क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं ना बच्चों। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है पोएट बता रहे हैं कि किस तरह से जो है आज उसे पता चल गया था कि लॉस, नॉलेज पता चल गई थी कि खोने की नॉलेज क्या होती है या उसकी कीमत क्या होती है, हाउ टू स्टैंड अप, उसे कैसे हमें बाहर आना है, कैसे खड़े होना है, नोइंग व्हाट एवरी वन मस्ट वन डे नो। और जो है एक दिन जो है क्या होता है, सबको पता चल जाता है, क्योंकि सबका जो है किसी ना किसी चीज से, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे मेटेरियलिस्टिक चीजें हो, तो अटैचमेंट रहता है। तो जब उसको खोते हैं तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है, अदरवाइज हम लोग कहते हैं चलो चल रहा है ठीक है इट्स ओके, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसको किस प्रकार जो है एक दिन जो है हर व्यक्ति को, एवरी मैन जो है क्या उसे पता चल जाएगा कि लॉस की जो है वैल्यू क्या है, समझ जाएंगे। और कई लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत से जो है आने वाले ही दिनों में जो है जानेंगे कि किस प्रकार जो है हमें खड़ा होना है या सहयोग करना है, एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड मोस्ट हाउ मैनी डेज, कि लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से हमें आने वाले समय में इस प्रॉब्लम से जो हम लॉस करते हैं उससे बाहर कैसे स्टैंड करना है, तो वो जान जाएगी। और एक दिन जो पोएट ने कहा सबको पता चल जाएगा कि वैल्यू ऑफ लॉस, कि क्या वैल्यू है लॉस की या नॉलेज क्या है लॉस की। क्योंकि जैसे अभी मैंने प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि जब हम कोई चीज खोते हैं तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा, हियर द पोएट सेज दैट द बॉय से बॉय हैज टू लर्न दैट इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट, कि इस जो है मेटेरियलिस्टिक जो है वर्ल्ड में जो है बहुत सारी चीजें जो है हमसे क्या है बिलोंगिंग से जुड़ी हुई है, और हम उनको क्या कहते हैं खो देंगे, विल बी लॉस्ट और खो देते हैं। ही पर्सनिफाइज द बॉल हैज हिज बिलोंगिंग्स, अब यहाँ पे जो है बॉल के लिए बोला है उन्होंने कि उसकी अपनी जो है बिलोंगिंग्स है, कैसा अटैचमेंट है उसके साथ, बी इट विद द वर्ल्डली थिंग और द रिलेशनशिप ही इज इन पोजेशन ऑफ। सो ही सेज दैट ही हैज टू लर्न टू लिव विदाउट देम नो मैटर व्हाट, कि हमें जो है क्या करना चाहिए इन चीजों से, जिन जो हमारी बिलोंगिंग्स है, बिलोंगिंग्स जो हमारी अपनी चीज है उनसे हमें जो है जो अटैचमेंट होता है उससे कैसे जो हमारा रिलेशन बन जाता है उसके साथ, उससे हमें कैसे करके उसके बिना हमें कैसे रहना है। He says no one can buy back such things for him, और जो हमें जिससे अटैचमेंट हो जाता है, जो हमारी बिलोंगिंग्स होती है, हमारी चीजें होती हैं, और जब हम उसको खो देते हैं तो कोई उसको खरीद नहीं सकता, no one can buy it back, कोई नहीं खरीद सकता इसको। The poet said so because according to him money can't buy you everything, अब लोग पैसा पैसा करते हैं ना, पूरी दुनिया में क्या है पैसा पैसा पैसा, परंतु पैसे से तुम किसी की जो है क्या है किसी की जो इमोशंस को नहीं, किसी की मेमोरीज को नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब मान लो हम मेरे पेरेंट्स हैं,
और अगर मैं उनको खो दूंगी तो क्या पैसे से खरीद सकती हूँ? नो, नेवर। तो कोई रिलेशन को नहीं खरीद सकता पैसों से, किसी को कोई मेटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं हम खरीद सकते हैं जो है इस वर्ल्ड में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है, और जो भी हमारी बिलोंगिंग से उन चीजों को जो है हम जो है पैसे से नहीं खरीद सकते। तो पैसा क्या है? एक क्या है? एक्सटर्नल थिंग है। He says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost things. अब जो है बॉय को क्या पता चल गया है, और उस जो है वो बॉल खोने से जो है वो क्या लर्न कर रहा है? एक तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई है कि अपनी चीजों को किस तरह से हमें जो है संभाल के रखना चाहिए। सेकेंड क्या लर्न कर रहा है वो? हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग, कि अगर मैं कोई चीज खो देता हूँ तो मुझे कैसे स्टैंड लेना है। दिस मीन्स दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? बॉय क्या सीख रहा है? देखो मैसेज भी आ रहे हैं इसमें, कन्वे कर रहे हैं पोएट कि द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ विच स्टेट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन। कि इससे पोएट क्या कन्वे कर रहे हैं कि तुम्हें, मतलब बॉय को भी पता चल रहा है, जो लड़का बॉल से खेल रहा था और सडनली ही लॉस्ट हिज बॉल, तो उसे पता चल गया है कि लाइफ की ट्रूथ क्या है, कि अगर हम कोई चीज खो देते हैं तो उसको जो है हमें कैसे जो है स्टैंड अप, मतलब कैसे हमें उससे बाहर आना है, कैसे स्टैंड लेना है। दिस इज द ट्रूथ विच एवरीवन हैज टू लर्न इन हिज और हर लाइफ, और इस सच्चाई को जो है सबको जो है लर्न करना चाहिए। दिस हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन हैज टू बेयर, और सबको जो है इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, बेयर करना चाहिए, सहन करना चाहिए कि अगर कोई चीज उनकी लॉस्ट हो जाती है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे कोई थिंग हो, तो कैसे हमें उसके अगेंस्ट जो है हमें स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि कई लोग जो है कई बार हम अपने जो है, क्योंकि ह्यूमन की क्या टेंडेंसी है कि अपने, क्योंकि होता है ना एक फैमिली में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, और अगर हम कोई मेंबर खो देते हैं तो हमारे जो है अटैचमेंट कई दिनों तक उसके साथ अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि किस तरह से हर इंसान को जो है एवरीवन हैज टू लर्न इन हिज और हर लाइफ द ट्रुथ, ये ट्रुथ को जो है सच्चाई को जो है उनको समझ लेना चाहिए, और कैसे जो है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि द हार्श ट्रुथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द odd miseries of life that everyone has to bear, सबको bear करना पड़ता है। So this is all about the story, sorry poem, और the ball poem जो है बहुत easy थी, और एक जो है poet ने जो है beautifully जो है इसको किस तरह से बताया है और अपना message भी दिया है इस poem के through, और अब हम जो है इसकी summary करते हैं, ठीक है? Summary, the ball poem summary. The poet is talking about a little boy. अब यहाँ पे सबको अब तो क्लियर हो गया होगा, पूरी पोएम खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लिटिल यंग बॉय की बात हो रही है, और जिसने क्या कर लिया है, who has lost his ball. He was playing with his ball. और वो क्या कर रहा था? He was playing with his ball. अपनी बॉल से क्या कर रहा था? वो खेल रहा था। Suddenly the ball skipped from his hand. और suddenly क्या हुआ कि बॉल जो है उसके हाथ से जो है क्या हो गई? Skip हो गई। And went into the nearby water body. और पास में जो है कोई वाटर बॉडी थी, रिवर थी, और उसमें जो है वो चली गई। तो सिंपल सा है कि क्योंकि इसी वाली पोएम के काफी स्टेंजर जो है एग्जाम में आए हैं, तो मैं कल जो है आपको वो कराऊंगी, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू दिस पोएम, इस पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए या कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता होगा कि पोएम का एक स्टेंजर आएगा, इसीलिए मैंने स्टेंजर वाइज आपको जो है एक्सप्लेनेशन दिया है। एक स्टेंजर आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नीचे दिए रहेंगे, और आपको टू द पॉइंट जो है उसका आंसर देना है। तो कल हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे पोएट ने सिंपल वे में बोला है कि द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ही वाज प्लेइंग विद हिज बॉल, द बॉल स्किप्ड, सडनली द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी। द पोएट सेज दैट दिस साइट ऑफ द बॉय लॉसिंग हिज फेवरेट बॉल
made him think about the boy and his reaction to this situation. अब पोएट देखना चाहते थे कि जब बच्चे ने जो है क्या है बॉल खो दिया है, ठीक है, तो क्या रिएक्शन है उसके एट दैट टाइम कि उसकी फेवरेट बॉल जो खो गई है और कैसा रिएक्शन कर रहा है टू दिस सिचुएशन. ऑड सिचुएशन है ये, क्योंकि उसने अपनी फेवरेट बॉल क्या करी है, खो दी है. तो पोएट देखना चाहते थे या जानना चाहते थे कि उसका रिएक्शन क्या है, बॉय का रिएक्शन क्या है, वो क्या करता है. क्लियर. ही फर्दर सेज दैट द बॉय वॉज हेल्पलेसली लुकिंग इन टू द वॉटर वेयर हिज बॉल हैड गॉन. अब क्या होता है कि जो पानी के अंदर बॉल चली गई है, आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, कल भी मैंने आप लोगों से पूछा था, कई बार होता है ना खेलते खेलते तो बॉल तो क्या है वो तो चलती रहेगी और जहां स्लोप होगा वहां तो ऑब्वियस है कि वो दौड़ पड़ेगी, तेजी से जो है पानी के अंदर चली जाएगी अगर कोई वाटर बॉडी है, ठीक है. तो यहाँ पे भी जो है हेल्पलेस, क्योंकि अगर रिवर के अंदर पानी बॉल चली गई तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसको बाहर निकालना, ठीक है. तो यहाँ पे वो क्या है हेल्पलेस जो है फील कर रहा है अपने आप को. ही फर्दर सेज दैट द बॉय वाज हेल्पलेसली लुकिंग इनटू द वाटर वेयर हिज बॉल हैड गॉन, जहां पे उसकी बॉल जो है चली गई है. ही वाज सैड एंड वाज ट्रम्बलिंग विद फियर. अब उसे जो है क्या क्या था, वो बहुत सैड था और ट्रम्बलिंग कर रहा था, शिवरिंग कर रहा था डर के मारे. अब डर जो है कोई सा भी हो सकता है, एक तो उसको पहले जो था फेवरेट बॉल खो दी उसने, सेकंड है कि हो सकता है पेरेंट्स उसको स्कोल्ड करे डांटे, उसका डर हो सकता है, कोई भी डर हो सकता है. यहाँ पे ट्रेवलिंग विद फियर, तो यहाँ पे वो डर के मारे क्या कर रहा था, शिवर कर रहा था, कांप रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था. क्लियर. ही गॉट सो इमर्स्ड इन हिज सॉरो दैट ही केप्ट स्टैंडिंग नियर द हार्बर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड केप्ट ऑन लुकिंग फॉर हिज बॉल. इतना ज्यादा वो जो है दुखी था कि वो जो है हार्बर पर जहाँ पे वोटर शिप इकट्ठे होती हैं उसको बोलते हैं हार्बर, फॉर ए लॉन्ग टाइम काफी समय तक जो है वो वहां पे खड़ा था एंड कैप्ट ऑन लुकिंग ऑफ हिज बॉल, और अपने बॉल को जो है उसे लग रहा था शायद मेरी बॉल जो है मुझको मिल जाए. होता है ना हमें एक रहता है कि अरे बॉल मिल सकती है, तो वो बच्चा था क्योंकि डर भी लग रहा था उसको, ट्रम्बल कर रहा था विद फियर, शिवरिंग कर रहा था, तो उसे लग रहा था कि मैं भी जो है उसकी बॉल मिल जाए और अपने जो है वो यंग डेज को भी याद कर रहा था. द पोएट सेज दैट ही कुड कंसोल हिम दैट ही मे गेट न्यू बॉल्स और ही कुड आल्सो गिव हिम सम मनी टू बाय अनदर बॉल. अब पोएट कह रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं कि वो जो है बच्चे को बोल सकते हैं कि कंसोल कर सकते हैं कि तुम जो है नई बॉल ला सकते हो और वो उनको पैसा दे सकते हैं कि नई बॉल खरीद के ले आओ, बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो बिकॉज ही थिंक्स दैट द मनी मे ब्रिंग अ न्यू बॉल बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग्स अटैच्ड टू द लॉस्ट बॉल. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि बॉल तो मैं नहीं, मैं उसको जो है बॉल भी ला के दे सकता हूँ, पैसे भी दे सकता हूँ, बट वो जो है एक मैसेज भी देना चाहते हैं बच्चे को कि उसकी जो मेमोरीज हैं और जो फीलिंग्स अटैच्ड टू द लॉस्ट बॉल है उसको जो है वो पैसों से खरीद नहीं सकते. द पोएट फर्दर सेज दैट द टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब पोएट कह रहे हैं अब समय आ गया है कि उसको अपनी जिम्मेदारियों की समझ होनी चाहिए. हियर द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट नाउ द बॉय विल लर्न द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ. अब यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं कि बच्चे को जो है उसका टफेस्ट लेसन जो है सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, तो अब उसने लर्न कर लिया. The lesson of accepting the harsh realities of life that one day we will lose our loved ones and our loved things. को तो एक दिन जो है सबको accept कर लेना चाहिए अपने life के harsh truth. तो बच्चों आज हमने बॉल पोएम करी है, कल इससे related जो है जो exam में questions आए हैं वो हम कल करेंगे. तो that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.